जनवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साड़ी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जानी मानी अदाकारा तनिष्ठा चैटर्जी। तनिष्ठा चैटर्जी मामूली दिखने वाली एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपने गैर मामूली अभिनय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खास पहचान बनाई है। पुणे में जन्मी तनिष्ठा चैटर्जी का बचपन दुनिया के कई देशों के अलग अलग परिवेशों में गुजरा। विदेश में काफी समय बिताने के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया। दिल्ली में रहकर तनिष्ठा चैटर्जी ने वेंकटेश्वर कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में ही तनिष्ठा चैटर्जी की मुलाकात मशहूर थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन से हुई, जिन्होंने तनिष्ठा चैटर्जी को एक्टिंग में ही करियर बनाने की सलाह दी। हाय। एनएसडी से ग्रेजुएट तनिष्ठा चैटर्जी ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में आई फिल्म बस यूं ही से की। क्या हुआ तुझे, तू आया नहीं? कुछ नहीं, थक गया था। कोई बात नहीं, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। एक के बाद दूसरी फिल्में करती हुई तनिष्ठा चैटर्जी 2004 में जब जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन ग्लेनबर्जर की फिल्म शेडोज ऑफ टाइम में नजर आई तो ये फिल्म उनकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद आई ब्रिक लेन। मोनिका अली के नॉवेल पर आधारित इस फिल्म ने तनिष्ठा चैटर्जी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। नाना, स्टॉप। I don't want to go.
अम्मा इज हियर। ब्रिक लेन के बाद लंदन में ही रहकर तनिषा चटर्जी ने एक से बढ़कर एक फिल्में की। सर्कस जाने वाले हैं, बड़ा आती देखने। ये तनिष्ठा चटर्जी की अभिनय दक्षता ही है कि 2011 में आई देख इंडियन सर्कस के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा जा चुका है। टिकट एक और दो तीन 75 रुपए हुए। तू जा पढ़ने को लेकर, तीनों के टिकट निकालेंगे तो घर जाने के पैसे नहीं बचेंगे। भैया चलो ना, चल ना, सर्कस चला जाएगा, बड़ा वाला आती नहीं देख पाएंगे। मैं तो बाहर ही बैठ के देख लूंगी ना, आवाज तो आएगी। जा राम करे कहीं नैना न उलझे इन नैनन की, रीत बुरी है बिन नैना उलझाए न सुलझे, राम करे कहीं। कला के प्रति समर्पित तनिष्ठा चटर्जी के अभिनय का लोहा तो सब मानते ही हैं, लेकिन वो एक कुशल गायक हैं, ये हमें इस गुफ्तगू के दौरान पता चला। बेकरार छोड़ गए बाहर ले गए, यादें बाहर छोड़ के, हाय राम करे कहीं नैना न उलझे, नैना न उलझे, नैना न उलझे, राम करे कहीं। दिन भर मटर गस्ती करता रहता है भैया, जब तक घरे हैं अक्षर दो अक्षर पढ़ना लिखना सीख लो, अंगूठा छाप तो नहीं रहेगा ना कम से कम। स्कूल मत भेजो, घरे बैठे बैठे पढ़ लिख के विद्वान बन जाए। रकला को मार के तूने किसका भला किया? कजरी मैंने रकला को नहीं मारा। चुप कर, तूने अपना मंगलसूत्र नहीं बेचना पड़ा ना अपने बेटे को उन गुंडों से छुड़वाने के लिए, तो तेरे लिए सब आसान है कहना। सच तो यह है तूने ये सब कभी किया ही नहीं। आसान नहीं है हमारी जिंदगी, घर गृहस्थी संभालना ये बच्चों का खेल नहीं, इसे समझी बिजली। तनिषा चटर्जी उन गिनी चुनी भारतीय अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनके पास अपने समय, समाज, राजनीति और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहन अध्ययन और स्वतंत्र विचार होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनिष्ठा। थैंक यू सो मच। हमको बताइए कि इंसान अपने जिस पेशे में आ जाता है, चाहे वो किसी संयोग से या किसी तैयारी से, और जो कि आप आ गई हैं, इस काम को करते हुए कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि छूटे जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, और इस काम में ज़िंदगी बहुत वक्त ले रही है? ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझे कि छूट गया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो यही है। और मैं तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी और उसके बाद पता नहीं कैसे ड्रामा स्कूल चली गई और फिर फिल्मों में आ गई और मतलब आर्टिस्ट बन गई। और मुझे इतना मज़ा आता है एक्टिंग करने में, म्यूज़िक में, और इन सब का जो पैराफर्नेलिया है अलग अलग आर्टिस्ट से मिलने में, और इतना ट्रैवल करते हैं हम फेस्टिवल्स वगैरह, और अलग अलग देशों के आर्टिस्ट से मिलते हैं, मेरी तो ज़िंदगी ये पूरी है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कुछ भी छूट गया है। मुझे लगता है कि अगर मैं ये नहीं करती तो कितना कुछ छूट जाता। अगर मैं अपने बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं कॉलेज के, जो अभी किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ठंड में रहते हैं और रोज़ लैब जाते हैं, घर वापस आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अगर वो करती तो ये सब छूट जाता। केमिस्ट्री में आप क्या कर रही थी? मैं ग्रेजुएशन कर रही थी केमिस्ट्री में, और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगी या पोल्यूशन कंट्रोल में जाऊंगी, पीएचडी करूंगी या फिर एमबीए कर लूंगी। जो एक अपर मिडिल क्लास बंगाली होम में यही लोग सोचते कि म्यूज़िक या गाना या थिएटर ये सब हॉबी है, और साइंस जो है वो प्रोफेशन है।
तो मैं भी ऐसा ही सोचती थी। फिर मैं एक वर्कशॉप करने गई थी बैरी जॉन सर के साथ, और एक उनके वहाँ से फिर एक मैक्स मुलर भवन में एक जर्मन डायरेक्टर के साथ मैंने वर्कशॉप किया। जब मैं कॉलेज में ही थी, ऐसे थिएटर करती थी, अंग्रेजी थिएटर करती थी, और साइड में कभी कभार ऐसे वर्कशॉप्स कर लेती थी। लेकिन ये दो वर्कशॉप्स ने मतलब कुछ बदल दिया मेरे अंदर, और स्पेशली बैरी सर के साथ जो मैंने किया, जो एनएसडी में वो कर रहे थे, और मैंने एक समर वेकेशन में किया उनके साथ, और बहुत सारे एनएसडी के टीचर्स भी आए थे वहाँ पढ़ाने, उन्होंने सब कहा रहे तुम तो परफॉर्मर हो, कहाँ किसी ठंड लैब में बैठ के केमिस्ट्री पढ़ाओगे, ये है तुम्हारी ज़िंदगी। और बिल्कुल मतलब ओवरनाइट सब कुछ बदल गया, और उसके बाद बस मतलब वही सिलसिला चल रहा है। जो ये बैरी जॉन वाला एक्सपीरियंस था, या मैक्स मुलर भवन में जो जर्मन डायरेक्टर के साथ था, इसमें दोनों में ही आप एक्टिंग वाली एरिया में ही एंजॉय कर रही थी, या कुछ और भी एरियाज थे? एक्टिंग वाले एरिया में, और क्योंकि मैं गाना गाती हूँ तो हमेशा हर डायरेक्टर जब भी उनको पता चलता है कि आप मतलब गा भी लेते हैं, तो मुझे हमेशा ऐसा ही रोल मिलता है जहाँ मैं थोड़ा बहुत कुछ गा भी लेती हूँ। तो जो भी ये प्लेज मैंने किए उस दौरान, मतलब कॉलेज में भी जो करती थी एमेचर थिएटर ऐसे, तो उसमें हमेशा गाना भी गा देती थी। सो एज अ परफॉर्मर बहुत मज़ा आ रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि एक डिलेमा तो थी, क्योंकि मैं साइंस की अच्छी स्टूडेंट थी, मेरा मतलब अभी तो मैं सुन रही हूँ कि पीसीएम सब 100% होती है, लेकिन हमारे ज़माने में 90 अप पीसीएम वाज वेरी गुड, और मेरा ऐसा था। तो मेरे स्कूल से या मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, सबकी एक ये एक्सपेक्टेशन थी कि साइंस में कुछ करेगी, और मतलब पढ़ने लिखने में अच्छी है, तब जाके आपका डिलेमा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर मुझे खुद को मतलब परफॉर्मिंग में बहुत मज़ा आया, तो आई जस्ट changed the way I thought, और overnight मेरा decision बदल गया, मैंने सोचा यही है मैं जो ज़िंदगी में करने वाली। और ये गाना आप कब से गाती थी? ये काफ़ी बचपन से। इसलिए कि एक आमतौर पर बंगाली घरों में कुछ आपकी मतलब माँ को कुछ गाने का शौक था, क्या कुछ माहौल था? हाँ, थोड़ा सा माहौल था, मेरी दादी गाती थी, और लेकिन इतना उन लोगों ने उसको बहुत सीरियसली कुछ मतलब थोड़ा बहुत टैगोर म्यूजिक वगैरह ऐसा था, लेकिन मैं जब मतलब 10-11 साल की थी तब से मैंने उसको बहुत सीरियसली लेना शुरू कर किया, और मैं बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं के पास गई, मैंने सीखा। पहले तो हिंदुस्तानी क्लासिकल पूरा गंधर्व महाविद्यालय से कोर्स किया, उसके बाद ठुमरी दादरा सीखना शुरू किया, शांति हिरानंद जी से, हाफिज़ अहमद ख़ान साहब से, नैना देवी से, से मतलब अलग अलग लोगों से, उनके साथ फिर घूम घूम के मतलब यूरोप में मैंने मतलब शोज़ करने शुरू कर दिया, एंड आई वॉज वेरी यंग देन, तो उस समय मैं बहुत अच्छा गाती थी। अब उतना अच्छा नहीं गाती हूँ। पर तो उस दौरान तो मतलब मैं जब एनएसडी गई तो शांति जी गुस्सा मतलब वो नाराज़ हो गए कि तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो गाना गाना चाहिए, लेकिन मैं पूरा मतलब परफॉर्मर बनना चाहती हूँ। कुछ दादी का गाया हुआ कुछ याद कीजिए कि क्या वो गाया करती होंगी, आपने कहा कि टैगोर सॉन्ग्स होते होंगे, लेकिन कोई उनका गाया हुआ कानों में बसा हो तो हमारे लिए भी गाइए, तो कुछ गुनगुनाइए। बिल्कुल, एक एक्चुअली बंगाली गाना है जो अभी ज़्यादा बांग्लादेश में फेमस है, लेकिन ये मेरी दादी का बहुत फेवरेट, वो जब मतलब अपने लास्ट ब्रेथ्स भी ले रही थी ना, तो शी यूज टू स्टिल सिंग दिस सॉन्ग, तो थोड़ा सा दो लाइन में गाऊँगी। আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না, তোমারই উপর করে নু নির্ভর, তোমা বই করে জানি না, হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না। হ্যাঁ, তো আপনি দেখনে ওয়ালোঁ কে লিয়ে শায়দ ইয়ে আন্দাজা লাগা সকতে হ্যায় কি ইস গানে মে
उसे रास्ता मालूम नहीं है और वो चाहता है कि उसको कोई हाथ पकड़ के। बंगाली बिल्कुल समझ में आती है। ओह माय गॉड, मुझे लगा आप कहेंगे, आप जरा दर्शकों को भी बताइए कि अब इसका मतलब। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा। तो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आने से पहले गायकी वाली दुनिया आपकी काफी रमा दमा थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मुझे लगता है कि मेरा मतलब एक्चुअली एनएसडी में मैं जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए गई थी तो रॉबिन सर थे, रॉबिन दास हाँ। उन्होंने तो मतलब ऐसा मुझे उनके वर्कशॉप में ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है एडमिशन मेरा गाने की वजह से हुआ था। मतलब आई यूज टू सिंग वेरी वेल एट दैट टाइम। और जब मैं फर्स्ट ईयर में एनएसडी में थी तो फर्स्ट ईयर में हर प्ले में मुझे गाना लोगों ने गवाया, तो उस समय से मतलब सेकेंड ईयर से मैंने अपने सारे क्लासमेट्स को ये बताया कि किसी को बताना मत कि मुझे गाना आता है, क्योंकि मैं एनएसडी में वो चीज़ सीखने नहीं आई हूँ जो मुझे ऑलरेडी आता है, ये तो मुझे आता है, मैं वो चीज़ें करना चाहती हूँ जो मुझे नहीं आता है, मैं वो सीखना चाहती हूँ। सो सेकेंड और थर्ड ईयर में आई मेड अ कॉन्शियस चॉइस कि कोई भी ऐसे कैरेक्टर ना कर, मतलब मैं गाना जो गाना वो मेरे लिए बहुत आसान है। तो एनएसडी में फिर पढ़ाई आखिरकार पूरी हो ही जाती है, तो आपकी भी हो गई होगी फिर, लेकिन आप बम्बई कैसे आई? बम्बई में एक्चुअली अगेन एक म्यूजिक ग्रुप, इट वाज इंडियाज फर्स्ट गर्ल बैंड तीर करके, और फारूक ढोंडी साहब थे जो बहुत बीबीसी चैनल 4 वाले हैं, जो बहुत फेमस राइटर भी हैं, और वो कुछ मतलब कर रहे थे इस ग्रुप के साथ, एंड उन्होंने मुझे एक पार्टी में दिल्ली में वो मिले और वहाँ पे मेरा गाना सुना, और उन्होंने कहा कि तनिष्ठा यू सिंग सो वेल, और हम लोग ऐसे कुछ गर्ल बैंड का सोच रहे थे, एंड समबडी टोल्ड मी यू आर ऑल्सो अ ट्रेंड एक्ट्रेस, सो वी थॉट दैट इस गर्ल बैंड के साथ हम कुछ पिक्चर भी बनाएंगे, देव बेनेगल डायरेक्ट करेंगे, मतलब तो कुछ ऐसे आइडियाज़ थे, सो वाई डोंट यू कम टू बॉम्बे। सो ऑन उस दौरान जुलेखा अलाना जो अलकाजी साहब की ग्रैंड डॉटर है, वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और वो एक प्ले भी कर रही थी यहाँ पे अलांस फ्रांसिस के साथ, और मुझे वो लेना चाहती थी, तो दोनों चीज़ ना कोइंसाइड हो गई और मैं बम्बई आई, शुरू में सिर्फ 6 महीने के लिए, उसके बाद एक के बाद एक अपने यहाँ भी काम मिलता गया, एक फ्रेंच फिल्म मिली हवा आने दे, उसके बाद 2-3 छोटी छोटी इंडिपेंडेंट यहाँ पर फिल्में की, बस यूँ ही 12 आना, फिर शेडोज़ ऑफ टाइम मिला, और उसके बाद ब्रिक लेन, मतलब एक के बाद चीज़ें होती गई। मैंने एक्चुअली कभी यहाँ बॉम्बे में आने के बाद मतलब डायरेक्टर से अपनी तस्वीर जाके मतलब मिलना ये सब किया ही नहीं कभी। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर से मैं मिली थी, जैसे दिल्ली में दिलीप शंकर हैं, यहाँ उमा डकुना हैं, लवलीन टंडन हैं, जो इंटरनेशनल फिल्म्स की कास्टिंग करते थे, और मुझे पता नहीं शुरू से ऐसा लगा था कि एनएसडी की ट्रेंड एक्टर्स और हम लोगों को थोड़ा अलग काम ही मिलेगा। तो एक के बाद एक ऐसे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, हवा आने दे में मेरा रोल बहुत अच्छा था, अच्छे डायरेक्टर्स मिले, शैडोज़ ऑफ टाइम इतने अच्छे जर्मन डायरेक्टर, ही वाज एन एकेडमी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, उसमें इरफान के साथ, प्रशांत के साथ, सब वो लोग बहुत इस्टेब्लिश एक्टर्स थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, और फिर ब्रिक लेन विच वॉज लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन माई करियर, और इतनी अच्छी नॉवल, और सारा वॉज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, सतीश जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिर ब्रिक लेन के बाद मैं लंदन चली गई 5 साल के लिए, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अ लॉट देयर, और यहाँ पे भी कुछ फिल्में की मैंने, देव बेनेगल के साथ किया काम मैंने, रोड मूवी में देख इंडियन सर्कस जिससे मुझे नेशनल अवार्ड मिला, तो आई डोंट नो जस्ट वन थिंग टू द अदर, आई नेवर actually went and told people कि look my eye exist, मेरी तस्वीर देख लो, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी तस्वीर देख के मुझे कोई क्यों कास्ट करेगा, अगर if they, और यहाँ पे मुझे लगता उस ज़माने में इतने अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर जैसे अभी हनी त्रिहान है, मुकेश है, यू नो सहर लतीफ, ऐसे लोग थे नहीं, तो वो ऑडिशंस भी कुछ खास ऐसे होती नहीं थी, सो आई नेवर वेंट, मैंने ये अपने आप ही होता गया सब कुछ। चूँकि देखिए आपकी कहानी कुछ इस तरह की है जिसमें काम आपको काम की वजह से मिलता गया, तो आप शायद इस बात के लिए एस्पायर भी नहीं कर रही होंगी कि जो
सो कॉल्ड मेन एक्ट्रेस लीग है उसमें दौड़ा जाए, क्योंकि आपको बहुत क्वालिटी काम मिल रहा था जिससे आप सेटिस्फाइड थी, इसलिए चाहे वो आपका कॉम्प्लेक्शन हो, आपका जो ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन हो सकता है उसको लेकर आप कभी शायद कॉन्शियस नहीं हुई होंगी. नहीं, और मेरे मतलब मेरा अपब्रिंगिंग हैज़ बीन वेरी लिबरेटिंग, क्योंकि मैं बचपन में, मैं पुणे में पैदा हुई, उसके बाद हम लोग बाहर रहे कुछ साल आउट ऑफ इंडिया, फिर दिल्ली वापस जब आए, मेरे मम्मी पापा या मेरे घर पे मुझे कभी, जबकि मेरी बहन गोरी और लंबी है, और कभी मुझे ये फीलिंग नहीं हुआ कि यू नो आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय स्किन टोन और एनीथिंग लाइक दैट. अभी तो इस चीज़ को लेकर इतनी बातें होती है, एंड आई ऑल्सो वॉकड आउट ऑफ अ शो बिकॉज दे कॉमेंटेड एंड एवरी थिंग. लेकिन मैं जब उस शो में गई तो मुझे एहसास हुआ कि 2016-2017 में भी लोग ऐसा सोचते हैं. मैं जिस वर्ल्ड में रहती हूँ वहाँ कभी मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं है. तो जबकि ऑब्वियसली आई नो कि फेयर एंड लवली के भी एड्स होते हैं, और ऐसा सिर्फ एड्स में ये नहीं कहा जाता आपसे कि आप खूबसूरत नहीं हो अगर आप गोरे नहीं हो, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी शादी नहीं होगी, मतलब हर चीज़. तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आज तक मतलब मेकअप भी कभी गोरा नहीं किया, लेकिन मुझे सब कुछ मिला. सो आई थिंक दैट्स लाइक इट्स रियली मतलब ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. बिल्कुल. जिस तरह की फिल्में आप करती हैं उसमें ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट को बहुत आप केयरफुली पढ़ती हैं और तब चुनती हैं कि उसमें आप करेंगी या नहीं करेंगी, तो ये भी एक बड़ा पेशेंस का काम है कि कई बार होता है कि नहीं ब्रीफ बता दो, मेरा वाला पोर्शन बता दो, मतलब एक जनरल आइडिया दे दो, फिर आपको लगता है कि आपका इम्पॉर्टेंट कोई रोल है तो आप हाँ या ना कर देते हैं. इस एक्सरसाइज को करने में तो काफ़ी अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना होता है और एक पेन लेना होता है. आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें फिल्में चुनते हुए? शुरू शुरू में तो चॉइस नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए और लीड रोल्स आए, प्रिंसिपल रोल्स आए. अभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसी भी स्क्रिप्ट्स आती है जो स्क्रिप्ट्स अच्छी हैं, लेकिन मुझे जो रोल ऑफर किया जा रहा है वो मैंने पहले कर रखा है उस टाइप का कुछ, तो फिर मुझे वो एक्साइट नहीं करती है. कभी कभी ऐसे भी फिल्म्स आती हैं जहाँ पे मैं स्मॉलर रोल चूज़ करती हूँ क्योंकि वो मैंने किया नहीं है पहले से. लायन करके एक फिल्म आई थी अभी, हॉलीवुड की फिल्म है, और वहाँ पे जब मुझे गार्थ ने ऑफ़र किया रोल, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग पीस, लेकिन मैंने कभी नेगेटिव रोल नहीं किया. एंड ही मेट मी एंड ही सेड कि तनिष्ठा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर वर्क एंड यू नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस, आई हैव रिटन इट स्पेशली फॉर यू एंड नवाज. सो आई रेड द स्क्रिप्ट, जबकि वहाँ 4-5 ही सीन्स थी, बट आई थॉट येस आई हैव समथिंग टू डू हियर. And I said, wow, Garth, like, you know, this is amazing that you wrote this for me. And he said that, yeah, evil doesn't necessarily always need to look evil. And I want you to explore that side of yours which has become evil, you know, through this character. And I thought that ye mujhe kabhi koi deta nahi and I want to do it. So abhi mujhe, like, you know, I want to do different kinds of things jo maine nahi kiya. That's what's exciting me right now. वो क्या है जो आपने नहीं किया इस पर बात करेंगे. अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और तनिष्ठा चैटर्जी के साथ ये बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. देखो सैया बेईमान है जी मनुष्य जन्म को पाए के फिरा चौरासी के मन से आके बोलो हम देहाती मने पूरी बदन ऐसे कांपता था वो जो थिएटर की जो पहली एंट्री होती थी. कुछ चीजें हासिल करने के लिए किसी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जबरदस्त पैशन होना बहुत जरूरी है. लामा मैं कैमरामैन बनना चाहता हूँ. तो मेरी दादी को ना बड़ा झटका लगा. उन्होंने बोला बताओ ऐसे दिन आ गए कि हमारे बच्चे अब शादी शूट करेंगे. पीयूष भाई के जैसा एक्टर होने में मुझे बहुत प्राउड महसूस होगा, पर उस लीक का एक्टर बड़ा डेंजरस कोट है, मैं उससे बचना चाहूँगा. फैशन में है कोई चीज़ या सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं करूँ, ऐसा मैं नहीं समझती और ऐसा मैं मानती नहीं इसलिए करती नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब. मैं तो हमेशा से आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ, मुझे बेहद पसंद है और मैं इस इंतज़ार में था कि शो पे आऊँ आपसे मुलाकात हो. नए मेहमान नए बयान
देखिए सीजन 7 एक नई धज के साथ गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से, प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में तनिष्ठा चैटर्जी हैं आपके साथ, जो आपकी एक पसंदीदा अभिनेत्री हैं। फिल्म मेकिंग का जो कल्चर अपने यहाँ है, मतलब ख़ास तौर पर उसको और प्रिसाइसली कहें कि सेट पर जो माहौल होगा या जो एक 30-40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा अपने यहाँ और जो इंटरनेशनल फिल्मों में, दोनों में क्या आप बेसिक फ़र्क जैसा देख पाती हैं? यहाँ पर काम भी करती हैं आप, वहाँ पर भी काम करती हैं और दोनों में इक्वल ईज के साथ करती हैं, लेकिन दोनों के फ़र्क को अगर आप कभी बताना चाहें तो कैसे बताएं? वैसे तो डायरेक्टर मतलब फ्रॉम वन डायरेक्टर टू द अदर अलग हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ एक ही ढंग से काम होता है, यहाँ दूसरे ढंग से काम होता है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हूँ वहाँ अलग होता है, अमेरिका में कर रही हूँ तो अलग होता है, वहाँ पे भी ऐसे डिफरेंसेस आती हैं। तो और क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, दैट्स वाई एक काम जो है वो थोड़ा मल्टीटास्किंग होती है, तो यूनिट हमेशा छोटा होता है। तो एक बहुत मज़ेदार एग्जांपल है, जब मैं एना कारेनिना शूट कर रही थी तो वो एक बहुत बड़ी मतलब फिल्म है, पीरियड ड्रामा है, बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ, जूड लॉ, कियरा नाइटले, जो राइट की फिल्म है, इट्स अ डिफरेंट स्केल, जैसे $60 million फिल्म। और मैं शूट करने गई तो 30 लोग चुपचाप ऐसे काम कर रहे हैं। मुझे लगा था कि पता नहीं क्या होगा, इतने बड़े बड़े मतलब सेट्स वगैरह तो थी, बट यू नो आई डिडंट फील दैट इट्स ह्यूज, बट व्हेन आई सॉ द फिल्म इट हैज़ दैट स्केल। और एग्जैक्टली एट द सेम टाइम आई वाज़ शूटिंग अ स्मॉल फिल्म कॉल मॉनसून शूट आउट इन बॉम्बे, जो अंडर $1 million की फिल्म थी और वो $60-70 million की फिल्म थी। तो वो ख़त्म करने के बाद जैसे ही मैं बॉम्बे पहुँची और यहाँ आते ही सेट पे मैं गई, माइक पे चीख रहे हैं लोग, ये हो रहा है वहाँ, वो नहीं हुआ, एंड देयर 200 people वर्किंग। ऐसा लगा कि अब हो रही है शूटिंग। सो दैट्स द डिफरेंस आई थिंक, दैट वी एज अ कल्चर सेलिब्रेट एवरीथिंग। तो हम लोग हर चीज़ में मतलब ऐसा हो, वो लोग बहुत ऐसे ऐसे मतलब काम के वक्त सिर्फ काम करते हैं। जब ब्रिकलेन हम शूट कर रहे थे तो सतीश जी ने तो बहुत यहाँ पे काम कर रखा था, एंड दैट वाज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो वो हमें जैसे लंच ब्रेक देते थे, 45 minutes मीन्स 45 minutes। सो सतीश जी थक जाते हैं, कहते यार ये लोग मतलब इतना काम क्यों करते हैं, इतना डिसिप्लिन है, 45 minutes लंच ब्रेक, मतलब हमारे यहाँ पता है टैन, हम लोग जब शूट करते हैं ना लंच ब्रेक मतलब चलता है, फिर हम गप मारते हैं, फिर ये खाना भी आता है, फिर लगता है कि कुछ मीठा भी ऐसे होना चाहिए, 2-3 घंटे हम बैठ के मतलब थोड़ा आराम करते हैं, ये लोग मतलब ये। सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस। हम लोग थोड़ा ईजी हैं, वहाँ थोड़ा मतलब आपको डिसिप्लिन में से काम करना पड़ता है। और फिर वही है, लगता है कि एक ऐसा काम जो कि आपके लिए तो बहुत आसान है, तो आप शिकायत ना अगर करें तो मैं कहूँ कि आप कुछ गा कर फिर सुनाइए। ठीक है, ये एक बहुत मेरी फेवरेट मतलब ये दादरा है। और हमारे यहाँ मतलब दादरा ठुमरी में स्थाई ब्रज में होती है, उसके बाद अंतरा जो है वो उर्दू में होती है कभी कभी, एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल मिक्सचर, कि हमने कभी इन चीज़ों को डिस्टिंक्शन नहीं किया, हाउ कल्चर्स हैव मिक्स्ड। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ दैट, कि राम करे कहीं नैना न उलझे इन नैनन की, रीत बुरी है बिन नैना उलझाए ना सुलझे, राम करे कहीं करार करार छीन लिया, बेकरार छोड़ गए बाहर ले गए, याद बाहर छोड़ के हाय राम करे कहीं नैना न उलझे, नैना न उलझे, नैना न
उलझे राम करे कहीं। क्या बात, अब तो टाइम ये वो मरहला है जहां हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन उससे पहले कोई ऐसी बात जो हमारी और आपकी इस बातचीत में छूट गई हो, या आप रास्ते में आते हुए सोच रही हो कि ये बात भी मुझे कहनी है, पूछा भले कुछ जाए, तो आप कहिए। इस प्रोग्राम में आप लोग बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट्स को, क्राफ्ट्समैन हैं, म्यूजिशियंस हैं जो अनसंग हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम अभी कुछ ऐसा हो गया दुनिया में कि हम सिर्फ जो ऊपरी सक्सेस है उन्हीं को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इतने लोग हैं जो इतना कुछ काम कर रहे हैं और शायद वो पैसों के पीछे नहीं काम करते हैं, पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है सोसाइटी में, उनको हम लोगों ने सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि गुफ्तगू के यू नो तहत एंड इसके थ्रू आप ऐसे लोगों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, और आई थिंक फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, फॉर अ गुड सोसाइटी ये बहुत एसेंशियल है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड सो आई एम हैप्पी दैट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस शो टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये थी तनिष्ठा चैटर्जी प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें ज़रूर लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।